ये पर चल थोड़ी ना, स्टाइलिश है ये, पोज बना दे। पोज बना दे, पोज बना कैसे के दिखाइए। पोज बनाती है? इनका नंबर आ गया तो इट मींस मुबारक हो आप बुड्ढे हो गए। हाँ, शाम को फंक्शन है, मैं पहले आईज बनवाने, मतलब आईज बनवाने नहीं, चश्मा बनवाने जा रही हूँ। दोनों चश्मे एक साथ भैया की दुकान पे, पलक ऑप्टिकल्स वाले पे, वो क्योंकि मैंने वहाँ नहीं बनवाया। ऋषिकेश में ना दुकान अच्छी नहीं है, देहरादून में अच्छी है, पर देहरादून एक दिन फिर जाओ 40-45 किलोमीटर, फिर अगले दिन फिर जाओ, तो इसलिए 2 दिन चक्कर लगते हैं। मैंने भैया पे यहीं, मैंने कहा यहीं आई हूँ, तो वो कल तक शायद बन जाएगा चश्मा, और दिया भी जाएगी मेरे साथ, और चाचा जी का बेटा भी जाएगा, और शाम को तो सब आने ही वाले हैं। ये मेरे चाचा जी हैं, यानी कि दिया के नाना जी, इतने हैंडसम नाना जी हैं। मैं इनको दिखाना पड़ेगा। दिया कह रही है किस एंगल से नाना जी पे, ये मेरी जो छोटे वाले दादाजी थे बाबू जी से छोटे, उनके बेटे हैं ये सबसे छोटे वाले, राजेश चाचा जी। और पिछली बार मैं गई थी पिंकी चाची जी, इनका डॉगी था। अच्छा, उनके हस्बैंड हैं चाचा जी। तो आज उन्होंने पीछे से पकड़ लिया, कह रहे आज पकड़ में आ गई। उस टाइम चाचा जी थे नहीं, कहीं गए हुए थे, तो इसलिए मैं इनसे मिल नहीं पाई थी। तो कह रही है किस एंगल से नाना जी लग रहे हैं, तो मैं किस एंगल से तेरी मम्मी लगती हूँ। अरे यार, ये देखो क्या कहाँ हाल किया है, देखो ये सैतूत है, ये देखो सैतूत है, ये कितने सारे सैतूत है। हाँ, सैतूत का पेड़ है ये, अभी पके नहीं है। मेरी गाड़ी वहाँ पे कितनी साफ़ रहती है, हालांकि और गाड़ियाँ चमक रही हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे आज धुलवानी पड़ जाएगी, शाम को पार्टी में जाना, इतनी इतने सैतूत और वो चिपक गई है सब कुछ है, और मेरे को ध्यान नहीं रहा। वो गाड़ी वाला आता है तो भाई को बोल देती, वो भी ध्यान नहीं रहा दिमाग से। अब कल के लिए तो उसको पेड़ के नीचे लगा देती ना वो, तभी मैं बोल रही थी। अरे वो परसों से लगी हुई है ना, गिरता है चिपकते थोड़ी ना, ये चिपक गए पूरे। एक्चुअली मुझे ना आँखों में बार बार रेडिश भी हो रही थी, तो वैसे तो वो शुगर टेस्ट कराई थी मैंने, पहले बताया था, तो यहाँ पे हो जाती है। और मैं 2-in-1 जो चश्मे होते हैं ना वो बनवा के ले जाऊँगी, क्योंकि ना एक चश्मे की केयर मेरे से तो नहीं होती, एक हो गया दूसरा घूम गया, दूसरा हो गया नीचे करो तो, सामने करो तो, दिल्ली की निशानी ऐसी है। भैया की दुकान मुझे ढूंढनी पड़ेगी, कार वॉश करानी पड़ेगी, है पास में ही शॉप, स्कूटर ना मन्नू लेके जाता है, नहीं तो हम स्कूटर में भी आ सकते थे, है ना दिया? स्कूटर में बल्कि इजी रहता है यहाँ पे आना। कहाँ पे है? आगे है ना। भैया मेरी आईज टेस्ट कर रहे हैं और मैं इसीलिए आई हूँ, मैंने कहा था कि एक अपनी ब्रांच ऋषिकेश में खोल लो। ऋषिकेश में जल्दी खोलेंगे, खोल रहे हो? भैया खोल लो, हाथ जोड़ रहे हैं। हमें देहरादून जाना पड़ता है, देहरादून बहुत लंबा पड़ जाता है, एक दिन चश्मा बनवाने जाओ, टेस्ट कराओ, फिर वापस आओ। ओके, यहाँ सेम डे आपको इतना चश्मा दे दूंगा, वो आप हाँ। चैनल पे होने का ये फायदा है, स्पेशल मेरे नाम से रिकॉर्ड बना रखा है। अभी आपके 2 सब्सक्राइब, 1 सब्सक्राइब बैठा हुआ है आपका। अच्छा, हनी नरुला के नाम से था। अच्छा, तो वो बहुत शाही है, तो नहीं, मेरे को किसी ने बोला था कि वो एड्रेस बताओ, मैंने कहा मैं एड्रेस नहीं पता, पलक ऑप्टिकल्स के ना, ये वाला जो एरिया कौन सा वाला है, गुरु हरकिशन, मैं एग्जाम देने यहीं पे आई थी अपना बोर्ड अच्छा। का, और मैं आई तो 10th में थी ना, फिर मैं भूल गई। तो यहाँ पे तो बॉस्को में आए हो गया? हाँ, बॉस्को में, मेरा भी सेंटर भी बॉस्को में। अच्छा अच्छा, और मैं भूल गई फिर नाम, क्योंकि इतने साल हो जाते हैं ना। TEGAK। ओके, अब बेटर है या अब बेटर है? अब बेटर है, कंफर्टेबल है बहुत। हाँ ओके, और अब देखिए ये, मतलब ये ब्लर है लेकिन दिखाई दे जाएगा, लेकिन वो अब थोड़ा और मुझे परफेक्ट चाहिए। नहीं परफेक्ट नहीं है ये, ऑप्शन 1 है। हाँ, एंड दिस इज ऑप्शन 2, व्हिच वन इज बेटर, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2? ऑप्शन 1, दिस इज बेटर। हाँ, अब एक फाइनल एग्जाम, ड्राइविंग के टाइम ये 25 मीटर्स पर क्लियर नजर आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं क्लिक की आवाज करूंगा, आपको आईडिया हो जाएगा। अब क्लियर है? दोबारा करना है, मतलब 25 तक कह रहे हो, 25 मीटर तक क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी, अब क्लियर होना चाहिए था ये। हाँ क्लियर है। ठीक है, अब सेम नाइट ड्राइविंग का टेस्ट है,
अब क्लियर है? अच्छा ऊपर का दिखा रहे हो ना आप? हाँ जी जी, दोबारा दिखाइए। कोई बात नहीं, रिलैक्स। ऑन करके रखिए। आप देखिए, अब क्लियर है? हाँ हाँ हम क्लियर है, पास आ रहा था, क्लियर है। अब एक और बात बताइए मुझे, अभी आपको रियल इमेज दिख रही है? हाँ जी। इसमें पीछे भी कुछ वेजेस हैं, साइड में वेजेस हैं, और बीच में एक लेडी खड़ी है। हाँ। पीछे वाली वेजेस रिफ्लेक्शन की वजह से क्लियर नहीं आएगी, साइड वाली बिल्कुल क्लियर आएगी। हाँ हाँ, ऐसा है? हाँ, पीछे मतलब कुछ मैंगो हाँ, पा रहे हैं पीछे, डाउटफुल मैंगो है, ऑरेंज है, हाँ ये सब। हाँ पीछे मतलब वो ग्रीन ग्रीन है ना बीच का, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा, ये साइड में सब नजर आ रहा है। हाँ हाँ, ये सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। ये देखना है आपने। और अभी मुझे लाइन पढ़ के बताइए, कंफर्टेबल है? नहीं, नो गेन ऐसा कुछ। हाँ, no gains without pain. आप comfortable? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। दोबारा करें एक बार। अब बेटर है या अब बेटर है? पहले बेटर था। परफेक्ट है? बिल्कुल परफेक्ट। रीडिंग का नंबर आ गया, तो प्लीज मुबारक हो, आप बुढ़े हो गए। वो डॉक्टर ने मुझे कह दिया था, पता क्या बोले थे? मैं डिक्लेयर कर दूँ आपको ऑफिशियली बुढ़ा। नहीं नहीं, डॉक्टर ने बोला था बेटे आप इसका थंबनेल लग जाएगा मुबारक हो लेने का टाइम। नहीं, मैंने डॉक्टर को बोला मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो हमारे डॉक्टर साहब बड़े प्यारे हैं, मुकेश जी जो है ना, वो देखते हैं लोग। उन्होंने बोला बेटे ईश्वर ने जो दिया है ना, उनका धीरे धीरे लेने का टाइम आ रहा है। मेरे को आप डरा रहे हो मुझे। पर वो बड़े प्यार से बोल रहे थे, मतलब मेरी आई साइज बढ़ गया है ना। अच्छा, हम ऑप्टिशियन की क्वालिटी होती है, हम प्यार से किसी को बुड्ढा बोलते हैं, वो बंदा मान जाता है, मान रहा है, मान रहा है, एक्सेप्ट जो जीवन में हो रहा है, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, है ना। वो बस असल में आपसे कोई नहीं सिखा सकता। पता क्या होता है, मेरे दो अलग अलग चश्मे हैं, उसमें क्या होता है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, अब एक चश्मा मैं बनवाना चाहती हूँ, वो मेरे लगा रहे, नीचे देखूं तो नीचे की साइड। आपके साथ दिक्कत मेन क्या आती होगी, आप मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूं तो, आलस के मारे आप नजदीक का चश्मा पहनते ही नहीं, पहनते ही नहीं। सही बात करें। हाँ, ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है। हाँ, 45 के बाद ये प्रॉब्लम सबके साथ नहीं। अगर ड्राइंग रूम में जा रहे हैं टीवी देखने तो दूर चाहिएगा, और अंदर कमरे में आ रहे हैं तो दूसरा चश्मा ढूंढो। जैसे एज बढ़ेगी ना, एक दिक्कत हो रही है, क्या मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं बेडरूम में बैठा हूँ और मेरा फोन आ गया और मैंने दूर का चश्मा पहन के मैं अपना टीवी देख रहा हूँ, अब मैं ये नहीं करूंगा कि मैं देख लूंगा कि ये फोन दिखाई नहीं देगा। हाँ, वो तो आ रही है, या तुक्के से उठाऊंगा या मैं चश्मा उतार के दूर करूंगा, नहीं इतनी नहीं आ रही, अभी आएगी, अभी प्रॉब्लम बढ़ेगी। ठीक है, वो एक्सेप्ट है। तो उसके लिए मैं आपको प्रोग्रेसिव क्लासेस दे देता हूँ, जिसके अंदर डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और रीडिंग तीन पॉइंट्स होंगे। इंटरमीडिएट मींस इफ यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, जैसे आप लॉगिंग के टाइम कंप्यूटर यूज करते होंगे। डिस्टेंस मींस चलते टाइम, और रीडिंग मींस जब आपने मुझे चेक काट के देना था, तो वो रीडिंग वाला पार्ट भी क्लियर होना चाहिए, इंटरमीडिएट भी होना चाहिए और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। उसमें भी एक दिक्कत आएगी, उसको एडजस्ट करने में आपको 2 दिन लगेंगे। 2 दिन? वो 2 दिन एडजस्टमेंट क्या होगी, लाइक आप हमेशा वेस्टर्न पहनते हैं, आज आपको साड़ी पहननी है। हाँ, साड़ी पहननी है। तो साड़ी पहनना अपने आप में कोई मुश्किल काम नहीं, मुश्किल नहीं। बट आपको आदत नहीं, आदत नहीं, तो आदत पड़ने में टाइम लगेगा। 2 दिन लगेंगे। ठीक है, ठीक है। कईयों को 2 दिन लगते हैं, कईयों को 2 घंटे में एडजस्ट होता है। 2 घंटे में कर लूंगा। वेरी नाइस, मैं यही सुनना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच, आप जैसे पेशेंट सही है मुझे, सॉरी आप जैसे कस्टमर, सॉरी पेशेंट नहीं हूं मैं, आप जैसे फैमिली चाहिए। इसका वैसे टेस्ट हो रहा है, पर जो बच्चे चश्मे लग रहे हैं, फोन ये बढ़ता ज्यादा है ना। हाँ, ये फर्स्ट ईयर में ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं, फोन भी लेता होगा। फोन पे हाँ, बस ज्यादा नहीं, बस बेटा लैपटॉप वगैरह पढ़ने के, लैपटॉप से कम होते हैं, फोन ज्यादा यूज होते हैं ना, उसकी वजह से चश्मा हुआ है। मोमोज खाने से भी कई बार इश्यूज आते हैं, मोमोज खाने से बहुत आते हैं। अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, फोन वगैरह अवॉइड किया, तो आपकी टाइम, आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी सब अभी काफी कुछ ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को चढ़ जाते हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। पता क्या होता है, इसी एज में अगर आपने मोबाइल की एडिक्शन डाल दी ना, हाँ, तो एडिक्शन अपने आप में प्रोडक्ट, वो लाइफ ही खराब कर देती है। एग्जैक्टली, इसमें देखो आपकी आंखें खराब हो रहे हैं, आपकी एनर्जी खराब हो रही है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपके पैसे भी खराब हो रहे हैं, और अल्टीमेटली आप पूरे पूरे लॉस, पूरे पूरे लॉस, पूरे लॉस, लॉस्ट वर्ल्ड वो है ना एक, तो बेटर है लॉस्ट इन स्पेस को यूटिलाइज करो, और जितना हो सके आउटडोर एक्टिविटी, बल्कि मैं आपके ब्लॉग के थ्रू सबको बोलूंगा, आउटडोर एक्टिविटी दिन में बच्चे की मिनिमम 1 से 2 घंटे ज्यादा कराओ, एंड आउटडोर एक्टिविटी इनको तो इतना ऑप्शन मिलता है, फिर भी फोन में लगे रहते हैं, घर आके फिर आउटडोर एक्टिविटी डजंट मींस कि आप बच्चे को बोले कॉरिडोर में आके खेल ले। आउटडोर एक्टिविटी मींस बिल्कुल ओपन में, जहां सनलाइट आ रही हो, जहां रेन आ रही हो, जहां नेचुरल एयर आ रही हो, वो लॉस्ट इन स्पेस है, ये लॉस्ट इन अर्थ है। Thank you.
हाँ ये सनग्लासेस वाले like, ये अभी आपने सनग्लास पहना हुआ है? हाँ मेरे को उतारने पड़ते हैं ये अच्छा भी है। और इसकी एक और क्वालिटी है वो मैं आपको बताता हूँ भाई, एक पोलराइज टेस्ट में देना, मतलब मुझे दूसरा नहीं बनाना बनवाना पड़ा, मतलब इसमें कुछ नहीं बनाना। अच्छा। आपने एक ही चश्मे के अंदर दो चीज़ कह दीजिए। अब मुझे कल लेने फिर आना पड़ेगा, पर 3-in-1 चश्मा बना है, चश्मे के बाद रिव्यू देखूंगी पहनने के बाद। भैया तो कमी वीडियो देखते हैं, लेकिन जो हमारे अंकल आंटी जी है ना वो मेन है, तो भैया भी, अब तो भैया भी हो गए, लेकिन अंकल आंटी जी इतना मतलब प्रेम है ना, अंकल जी से मिल के आए अभी, और दिया ये बता रही है नहीं मैंने ये छोड़ दिया, तो कह रहे बेटा मुझे सब पता है, और अंकल चैनल पर नहीं आते, आंटी आ गई हैं। और मैंने गाड़ी धुलवाने का भी फ़िलहाल प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, बहुत तेज़ धूप हो गई है बाहर। अच्छा घर में नहीं लग रही है जैसे ऋषिकेश में हो रहा है ना, पर यहाँ की धूप और तेज है, यहाँ पर जला देने वाली धूप है, हैं जला देने वाली एकदम भयानक। दिल्ली आ रहे हैं ना, सबको ये लग रहा है कि क्या खिला दें, छोले भटूरे तो खाओ, मोमोज तो खाओ, वो तो खाओ। मैं ना अपने काढ़े का सामान भी लेके आई हूँ, काढ़ा भी लेके आई हूँ, पूरी डाइट फॉलो कर रही हूँ, दिया है उसके लिए, फिर भी अंकल के यहाँ पे इडली खाई मैंने, पीछे पड़ जाते हैं क्या करें, हाँ तो इसीलिए इडली खाई, कोई ऑप्शन देता छो नहीं छोले भटूरे खाओगे तुम, छोले भटूरे खाओगे एक ने बोला, किसी ने कमेंट किया इंस्टाग्राम पे, नहीं आनंद जी के छोले भटूरे खिलाना दिया को, नहीं मैं छोले भटूरे नहीं खाती, ये छोले भटूरे की शौकीन है, छोले भटूरे के शौकीन तो हम ही हैं, यहाँ तो पेट्रोल पंप घर के छोले भटूरे खाती हूं, ये घर के ये हमारे ही हाथ के बनाए हुए खाती है ना। मैं ऋषिकेश में ना अपने चश्मे का पेपर लेके गई थी, और टाइटन वाली जो अब बंद हो गई है वो शॉप, उस पे गई थी जहाँ से रेनू ने वो 6,500 का अपना आई साइड का चश्मा बनवाया था। और उसके बाद क्या हुआ था, उसने दो मेरे को देख के बोला मोतियाबिंद हो गया है, और रेनू ने रेनू को भी बोला उसने कि मोतियाबिंद की आ रही है, वो लड़की ऐसी कोई बिठा रखी थी उन्होंने अन मतलब वो नहीं, बात यह है कि आपकी आँखें देखिए, शरीर तो एक अंतपंत जाना ही है, लेकिन ये है ना कि कोई ऐसे अनाड़ी के पास पहुंच जाओ जो आपका जीते जी फोड़ दे सही सलामत को फोड़ दे, तो वो जबरदस्त बात है भैया। वो कह रही कि नहीं अगर ठीक होता है तो वो डोनेट भी हो जाती है, अरे मतलब जो कोई ठीक ठाक को खराब बता रहे तो इसका मतलब जी ठीक ठाक को फोड़ना ना, जीते जी फोड़ दिया। तो मैंने फिर डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कोई ऐसे सिम्टम नहीं है आपके, नहीं तो वो कह रही आपको तो कैटरेक्ट वो आ रहा है, आपको वो कराना पड़ेगा, जैसे खुद ही डॉक्टर बन गए हो, मतलब आप जिस दुकान पे बनवाने जा रहे हो कहीं पे भी जा रहे हो एटलीस्ट उसको नॉलेज तो होनी चाहिए कि कौन बिठा रखा है जो आपका टेस्ट कर रहा है। तो इसीलिए मैंने फिर निश्चय किया कि मैं देहरादून भी नहीं जाके, हालांकि देहरादून में है लेकिन मैं दिल्ली में ही करवाऊंगी। और मैं फिर भैया के पास आ गई हूँ, और भैया आप 2-in-1 मेरा 3-in-1 4-in-1 काम होगा, मेरा चश्मा आई साइड का थोड़ी हीरोइन भी बन लूँगी मैं ये कह रही है मम्मी शाम को पार्टी में जाना साफ़ करा लो, मैंने कहा जिनकी सुबह साफ़ हुई है वो भी सड़ जाएंगी, अब मैंने यहाँ खड़ी करी है वहाँ से हटा के, इधर भंडारा लग भैया भंडारा लग रहा है, जैसा भंडारा दिल्ली में लगता है ना ऐसा भंडारा भी नहीं लगता वहाँ पे खाने की तो बात अलग है मतलब आलू की जो सब्जी जो बनती है ना, पेठे की सब्जी जो होती है, ओहो आनंद आ जाता है, पूरी हलवा दिया। मेरे टाइम में जो हमारे भैया जो हमारी एज के बच्चे थे ना, उन सबको मैं वो देख रही हूँ दुकानों पे बैठे हुए अंकल टाइप्स हो रखे हैं, पेट निकल रहे हैं, गंजे हो रहे हैं, हैं तो बिल्कुल अंकल वाली, मेरे को भी अंकल मेरे को खुद को अंकल वाली फीलिंग आ रही है कि वो अंकल बोलूँ मैं उनको, तो आप आंटी बोलेंगे आंटी कैसे सब बदल गए सब, मैं शॉप पे देख रही हूँ पर वो पहचान नहीं पा रहे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। सबको राम राम कर दो, राम राम कर दो, मैंने नहीं करी, राम राम कर दो सबको, सबको राम राम, नाम नाम है, जय श्री राम करो, पहले बोलो जय श्री राम बोलो, आता ही नहीं है, आता है जैसे आता है, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, क्यों स्टाइल मारती है तू इतना, इसके साथ फोटो खिंचवा रही है और कह रही है हमें भी कालू पील करवा रही है, शिवांगी जैसी है, सृष्टि जैसी है, ऐसा नहीं है, तेरे फीचर्स अच्छे हैं, इसके फीचर्स भी अच्छे हैं, चल ये पर थोड़ी स्टाइलिश है, ये पोज बना दे, पोज बना दे, पोज बना के दिखा, कैसे बनाती है चल आ जा इसमें यहां पे, तो मम्मी अभी होने गई है तैयार,
हमें जाना है फंक्शन में, और जो ये वाली जो वीडियो है इसकी एंडिंग मैं कर रही हूँ, और जो भी रिव्यू वगैरह जो होएगा पलक ऑप्टिकल्स का वो मम्मी देंगी, वो मम्मी देंगी। उस चश्मा जब आ जाएगा तब उसके बाद की कैसे रिव्यू है, क्या दिक्कत, कैसे मतलब कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है। और जो अंकल की जो शॉप का जो नंबर है वो हम डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, अगर किसी को पूछना पूछना हो तो आप वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बस यही था इस वीडियो में, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। माता पिता बच्चों का ध्यान रखे, बच्चे माता पिता का ध्यान रखे। हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ लगाना ना भूले, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर भी दो, ठीक है ना।